नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विंडोज 10 में डिफेंडर या फिर एंटीवायरस कैसे ऑफ करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पे स्टार्ट पे राइट क्लिक कर लीजिए, सेटिंग। उसके बाद यहाँ पे सर्च में डालिए वायरस, VIRUS। यहाँ पे नीचे आ जाएगा वायरस थ्रेट एंड प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे जाइए, यहाँ पे मैनेज सेटिंग पे क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है, इसको ऑफ कर दीजिए। उसके बाद आपको एक पॉपअप आ जाएगा, उसको यस कर दीजिए। उसके बाद क्लाउड डिलीवर प्रोटेक्शन ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे डिसमिस कर दीजिए इसको। उसके बाद ऑटोमेटिक सिंपल सबमिशन ऑफ कर दीजिए, यहाँ पे डिसमिस कर दीजिए इसको। उसके बाद यहाँ पे टेम्पर प्रोटेक्शन ऑफ कर दीजिए इसको, उसके बाद यहाँ पे डिसमिस कर दीजिए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे एंटीवायरस या फिर डिफेंडर ऑफ हो गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप अपने एंटीवायरस या फिर डिफेंडर को ऑफ कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और हमारे आने वाले नए वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद।